बेनती करूंगा छोटे जाऊं। परिमान साहब नगर दे संसार संगत सत्ता योग बुजुर्ग नौजवान भी मावां भैणां छोटे बच्चे सब तो पहला मेरी फतेह प्रदान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवादी हाँ प्रबंधकी कमेटी का नगर वासियों का पिंड जीवन का जिन्होंने मैं इतने बुला के मान सम्मान दिता है। इस गल मैं थोड़ा शुक्रगुजार हूँ तय दिलों। अपना जिला एक ही है पर हल्का बदल जाता है। लास्ट पिंड है फतेहगढ़ साहब हल्के का तो वहां संगरूर शुरू हो जाता है। रिश्तेदारियां एक दूजे एको बर्तन का पानी पीने दुख तकलीफा सांझिया ने। हल्का बदल का मतलब यह नहीं है कि दुख बदल जाते हैं। किसानी का इतने भी यही हाल है, इधले पासे भी यही हाल है। किसानी इतने भी खुदकुशियां कर रही है, किसानी उधर भी खुदकुशियां कर रही है। बेरोजगारी का इतने भी यही हाल है, उधर भी यही हाल है। कोई हल्का बदलना फर्क नहीं पैंदा। अज पंजाब जिहड़ा मेरे दादे की उम्र के मेरे पिता की उम्र के बुजुर्ग बैठे ने, शायद इन्होंने भी ये महसूस करते हो इन्ना उदास पंजाब कदे नहीं देखा गया। पंजाब हसदा खेलता सी, पंजाब गिद्धे भंगड़े पाउंदा सी, पंजाब दमामे मार मार के मेले जाण वाला पंजाब सी, मूंगलियां फेरदे सी, छिंजां लगदियां सी। हुण पंजाब जिहड़ा है वह उदासी च है। जमीना वंडियां गई, फसलों के भाव नहीं मिलते, धियां पुत डिग्रियां लैके घरें मुड़े आए, कोई अमीर की किरण दिखती नहीं। जब बाहरले मुल्कों भजते हैं ज माड़ी संगत का जो शिकार हो गए तो फिर टीके टूके नशे नुशे बन जाने। उदासी का आलम यही है। सत्था चो रौनक नहीं है, सत्ता थोड़ी हूँ रौनक है नहीं। जिहड़ियां पहले हादसे खेते होंगे सी, देर रात तक बैठे रहते हूँ है नहीं। हूँ तो हरेक में यही फिक्र है अज रोटी पक्कू या ना हो। 15 किले 30 किलिया का भी यही हाल है। दलितों गरीबों का भी यही हाल है। कारण वह की है? माड़ी नीत वाली सरकार। जो नीत चंगी होंगी सब कुछ ठीक हो जाता। नीत माड़िया 5 साल तू 5 साल मैं माड़िया बनिया। जे मैं आ गया मैं तेन कुछ नहीं कहना, जे तू आ गया तू मेरे कुछ नहीं। रणनीति लुटी है। हूं तो बच्चे बच्चे को पता नहीं लग गया, आप चले हुए ने, कोई कार्रवाई नहीं एक दूजे विरुद्ध करते। गल्लां करनगे वोटां वेले उठे लटका देंगे, टंग लांगे, आ कर देंगे वो कर देंगे, बाद च कहिंदे ना कोई सबूत नहीं है। जांच कर रहे हैं, इक्वेशन उठा रहे हैं। मेरी तो जिन्नी उम्र है जो मैं सुरत संभाली है, मैं देखता भारत के जो कोई मुद्दा ठंडे वास्ते पाना हो, सरकार की नीत एक्शन लैन की ना हो, कमीशन बिठा देंगे। एक कमीशन में बहते देखे उठता कोई नहीं देखे, बह जाते उठते नहीं मुड़ते, बस इन्हें लोग भुल पा जाते हैं। आही अजकल चल रहे गुरु साहब की बेअदबी का। पहला जस्टिस जोगा सिंह कमीशन 1.5 साल की रिपोर्ट उन्हें देखी, फिर इन्होंने जस्टिस रणजीत सिंह की कमीशन उसकी रिपोर्ट भी आ गई, वो भी कहते साइड पर दो। हूँ एक होर SIT बनाती, एक होर कमीशन बनाता, किसे तो होंगे कि मामले को ठंडे रस्ते पाना है। कैप्टन साहब कहते बादलों को बचाना है, इन्होंने कुछ हो नहीं देना।
आज तो एसएसपी फड़ लेंगे हम उठे तक ही एसएसपी ने तो गोलियां चलानियां सी गोलियां चलाने का ऑर्डर ही देता सी जनरल डायर ने जलियांवाले बाग च गोली चलाई नहीं सी ऑर्डर देता सी दोषी तो वही मने जाने ना जिन्हें ऑर्डर देता है उधर छोटे नौकर ने उन्होंने तो कह दो फायर उन्होंने गोली चला देनी है उनको तो फायर बंद कर तो गोली बंद कर देंगे उधर दसो ना जनरल डायर कौन ने बैबल करा दे मैं पार्लीमेंट के बच्चे एफ आई आर लेके गया सी दो मुंडे उधर शहीद हो गए सी बैबल करा जो कीर्तन कर दी संगत ने गोली चलाई सी मैं एफ आई आर लेके गया मैं कह जी राजनाथ सिंह जी एफ आई आर देख लो एफ आई आर कीते कीती हुई है पर्चा कीते कट्टे पुलिस ने अणपछाती पुलिस मैं कह जी भीड़ अणपछाती होती है पुलिस कदों बदी अणपछाती होने लग गई हरेक का बेल्ट नंबर है हरेक कारतूस का हिसाब देना पैदा फिर कहड़ी पुलिस आई कहड़ी गोली चला के चली गई मैं तो पता नहीं कितों पुलिस आई कि गोली चला के चली गई फिर तुम की करते हो भाई फिर थोड़ी एजेंसियां की कर दी ने ऑर्डर देने वाले बंदे जिन्हें उन्होंने पर्चे होने चाहिए पर नहीं क्योंकि आपस मिले हुए ने रले हुए ने इन्होंने फैसला किया कि आम आदमी पार्टी की चढ़ाई है आप रोकने वास्ते दोनों इकट्ठे हो जाने अकाली दल कहता भी साढ़ा तो काम खत्म होया हुआ सानू तो पाते नहीं ऐ करते अभी थोड़ू पवा दें इकट्ठे हो जाओ वो कहते भी बादल तो सुखबीर नहा जाएंगे कांग्रेस वाले कहते जिद ना बहुत बदनामी होगी ये दोनों जितने चाहिए ने फिर कांग्रेस के अकालिया ने बह के फैसला किया भी बड़े लीडर भेज दो इतने कांग्रेस के ताकि उन्होंने वोट जी है कांग्रेस की कांग्रेस के लीडर में पै जाए इधर उधर ना जाए बादल गुरु तो लड़न वास्ते लंबी कैप्टन गया सुखबीर बादल को जिताने वास्ते जलालाबाद रवनीत बिट्टू गया दोनों पुत्रों पुत्र जिता के वापस आ गए ये गल तो हुण रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने भी दसती बादल साहब ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी मदद की है कोई दोनों हार जाते जे कि वह ना आए अपनिया डांगा चुका रखिए ने आपा गडासे चक्की करते हैं उन्होंने पिछे आप एक दूजे के बरातों जाने हट गए आप एक दूजे के भोगा से जाने हट गए ये कट्ठे ने यह कट्ठे रुकी खाते हैं पिंडा धरने च बन देंगे ये सो मैं यही बेनती करूंगा पिंडा वाले एकता रखो जी नवी पंचायत बनी बनाई देना मैं सरपंच साहब बनाइए सारे और एक मेरी बेनती है एक मेरी बेनती है पिंड का सरपंच बनो किसी पार्टी का बनो वोटा मेरे जितनी मर्जी हो जाए थोड़ा डेमोक्रेटिक हक है पर जो पिंड का काम होगा उदो पिंड का सरपंच किसी पार्टी का सरपंच नहीं होना चाहिए और जेड़े पिंड च एक है वह पिंड कामयाब ने जी जेड़े पिंड धड़ेबंदी है वह पिंड उत्थी रहे क्योंकि कोई एक काम वास्ते काम कोई शुरू कर दूजा पैर खिंच लत्त खिंच लें फिर कहता आपको कहना आप बैर पाइए छट पर जो सारा पिंड एक काम वास्ते इकट्ठा होंगे फिर वो काम दुगना होकर एक मैनू तुसी लोगों ने वोटा पा के उसे पार्लीमेंट भेजा मैं असल च कोई मेरा कोई मैं कोई एम पी बन के मैं कोई मशहूर हो नहीं आया सी ना किसी टैलीविजन पर आने का चा है ना किसी अखबार से फोटो छपाने का चा है वह सारे चा नबेड़ी बैठे पर एक ही चा सी भी लोगों को यह दसीए कि राजनीति इमानदारी भी हो सकती है जे नीयत साफ होवे तां पार्लीमेंट दे विच भी मुद्दे खाए जा सकदे ने तां एमपी फंड दा एक एक पैसे दा हिसाब लोकां नूं दित्ता जा सकदा है जे लीडर ईमानदार हो जाए लोक आपे ईमानदार हो जाए मेरे
ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਪਗਦੀ ਗੰਗਾ ਚ ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੇਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘਰ ਕੀਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਲੇਬਰ ਆਪ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ 112 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 112 ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਆ 212 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ 8-10 ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰੋ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ 90% ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾ ਸਕੀਮ ਚਾ ਕੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਕਰੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੂਹਰੇ ਤੜਕੀ ਤੜਕੀ ਹੱਥਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖੜੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਊਗੇ ਆਪਾਂ ਖੰਗਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵਿਕਰੂਗਾ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਪਏ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਪਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ
मुड़ के सानू ही वो इस तरह बसा देंगे ने हूं आगे महीने तक आऊंगी हूं गुटा गई ना हूं तो फैविकोल ना हाथ ऐ हो जाएंगे जिथे कोई मिलया ताया जी पैरिंग करनिया बापू जी सत श्रीकाल ताए ने भी पता लगा लिया कि भतीजा बोले पहला तो कभी मिलया नहीं इन्हों ने महीना डेढ़ महीना हाथ बनने ने चार साल दस महीने पब्लिक ने हाथ बनने मेरा लगे बनो साढ़ा काम है बस तुम अगर काम करता सब जेड़ा जे तुसी वोट पैसे लेके पा दोगे ये गल का ख्याल रख लो जेड़ा एक बार थोनू खरीदूगा वो पांच साल थोनू बेचूगा जे तुसी पैसे लेके वोट पाती वो लीडर जित गया तुसी उहदे कोल मंत्री बन गया हो एमपी बन गया जां एमएलए बन गया तुसी उहदे कोल जाओ काम वास्ते वो कहूगा जी तुसी कहो मां मुंडे ने नौकरी होनी सी वो कहूगा जी इन्ने लख लगू ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਾਣੇ ਲੜਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 25 ਦੀਆਂ 25 ਭਾਗੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਵੇੜੀ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 700 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ 40-50 ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ 99% ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੋ ਐਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਐਂਤੀ ਹੈ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ 10,000 ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਬਲਵੀਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਛੇਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਕਿ ਭਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਮੰਗਣ ਆਇਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲਗਾਉਣ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਏਕਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਿੜਕੀਆਂ ਹੋ ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ
एजेंट रखे हुए ने उन्होंने कहे गए मेरे को याद रखो तू अगे पारी बोटा मतलब मूल्य खरीद मतदान कहते आपके मत का दान अकल का दान मतदान अपनी अकल खरीद लेंगे 100 रुपये च 1000 रुपये च 2 बोतल शराब दिया 2 किलो कुकी वोटा खरीद लिया फिर बाद चा रौला पाने की हो गया नहीं की हो गया। सो हालात पंजाब के इस तरह से पहले कभी नहीं देखे गए। जवानी जी है वो फ्रस्ट्रेट है उन्होंने कोई राह नहीं दिख रहा करिए की होना डिग्रियां है सारा कुछ है और उन्होंने सामने अखा सामने जो धक्के होंगे ने फिर उन्होंने दिल टुट जाए इस सभा के परमिंदर ढीं से नो बद पढ़े लिखे मुंडे खड़े हो गए और बेरोजगार ने क्योंकि आम लोगों के धियां पुत ने वो ढीं से का मुंडा इस करके वो MLA है वित्त मंत्री है इस सभा के चंदू माले के मुंडे नो बद पढ़े लिखे खड़े हो गए पर क्योंकि वह चंदू माले का मुंडा वो MLA है आप आम लोग धियां पुता सुखबीर बादल ना तो फिर बद सियाने जवाब नहीं होने जिसे घरे गाने वो सुखबीर और भी सियाने पर क्योंकि वह बड़े बाप के बेटे ने वह सिद्धू ही डिप्टी मुख्यमंत्री बनते थे वो सिद्धू ही प्रधान बनते हैं अगर पार्टियां आप आम करा देते हैं पुत आही कहना हम आही तो मेरे नाल इन्हों साड़ा है कि आम लोग धियां पुत क्यों देते हैं साढ़े क्यों नहीं देते हैं वो अंतमान क्यों देते हैं अमिंदर माचर का मुंडा जाके उसे बोली जाता नाले बोलना भी आता है ना सारे पेट बोली जाता सारे इस करके रूप की मैंने कहना गुरनाम करो सारे मेरे मगर पे हो लियो हर से मैं तुम्हें कोई बुलाओ गा मैं हो बेटू मुझे इसके लिए पूछ लो वो मैं दोबारा कर बड़ा बादल हो मैं दोबारा कर कैप्टन पूछ लो मैं सारे मेरे से पढ़ो लियो मैं बिगाड़ के लेता पंजाब का मैं किसी दिन नजायज पर्चा नहीं कराया जी 5 साल में पूछ लो सगुरु जाके मैं कहे तो जमीन ते नजायज कब्जा ना किया ना कराया मैं कहे ती पुत नु चिट्टे ते नहीं लाया मैं कहे ना कोई तक्षा नहीं किया मैं किसी नु गलत बंदे नु थाने चो छड़ाया नहीं सही बंदे नु फड़ाया नहीं मैं ना मेरा कोई रेतिया दी खड्डा हिस्सा है ना मेरी कोई बसा ने ना मेरा कोई केबल टीवी है ना कोई वाला है ना मैं कोई ढाबा दबे है फिर मेरे नाम में क्यों पे हो यही कारण है कि आम लोगों का ये होता है कि ना इन्हों बदनाम कर लो फिर बात कहने दिन रात को अंतमान शराब में कर लिया है मैंने भी 5 साल हो गए ना पहले हूँ थोड़े पिंड जिधर 5 साल तो दिन रात कर लिया है जोड़ा है क्या है क्या तो क्या होंगे मुझे बदनाम करेंगे मैं वो भी भाव भरता चलो मैं आ जाऊंगा आओ फिर होटल भी काटे हो चलो नाले में हम सुबह बाद में भी कहना तुम भी यार अच्छू पढ़ तो भाने हम भी चाहते हो आप कहाँ पर तय खड़ी रहती है और तो नहीं की कहना जाओगे बाप पूनो कहना मेरे पिता समान है बाद लौट के कहना मेरा समान नहीं हुआ पिता ही ना आओ फिर हम केजरीवाल नाम कर दो पाकिस्तान का एजेंट है ना ही का कीड़ा है
कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते बीजेपी की बी टीम है, है जी ये तो आए हैं जी आओ जी थोड़े एमएलए के परचे पाई फिर दिल्ली आए हमेशा जिन्हें जो परचा पाते ने हाई कोर्ट उन्होंने झिड़क के भेज के पुलिस को यही चाहते तेन इन्हें तो की उम्मीद करोगे तुम शहीद ऊधम सिंह की बरसी है 30 जुलाई होंगी है हर वक्त हर 30 जुलाई जो भी मैं सुख संभाली है उत्थे मौके का मुख्यमंत्री आता मैं सुना पिछले 2 साल तो नहीं है फैक्ट नहीं है शहीद करनाया सिंह इसलू जी की बरसी होंगी है 15 अगस्त उत्थे मुख्यमंत्री आता है पिछले 2 साल तो शहीदां दी बरसियां नहीं मनाते अरूसा का जन्मदिन मनाओ सारी सरकार बाहर आ जाती है मना शहीदां दा नहीं निकल दी बाहर कर्जा माफ हो गया थोड़े पिंड जी मैं तो इन्होंने कहा भुली साहब जी पिंदर हो सुरिंद्रपाल जी हुई कहते भड़ी मानसा प्रोग्राम रखना है वह मैं क्या ऐतवार का रख लो कहीं सोमवार रख लें ऐतवार का रखो मैं क्या कहते की गल मैं क्या मैं कैप्टन ने घर घर नौकरी देती होने मुंडे को सारे जो काम के पास इतने साढ़े जखना के लोग होते हैं घर घर नौकरियों का वादा लिख के करके गए करजी माफ करने का वादा लिख के करके गए 2500 रुपये प्रेषण का वादा लिख के करके गए सारे नौकरी मुंडा पढ़ जू कुड़ी पढ़ जू ना फिर उठी आ गए हाथ बनी खड़े हैं थोड़ी बहुत मिलती वही बंद करती नरेगा दिहाड़ियां किसी होर तो करा लिया पैसे किसी होर